एलआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाउचर के बारे में। देखिए, बाउचर का हिंदी क्या होता है? अच्छा प्रमाणक। बाउचर को हिंदी में प्रमाणक बोला जाता है। तो जैसे कि बाउचर होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम समझेंगे। करें कि बाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। करा इसमें कि बाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन के डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। और कह रहा है कि बाउचर का प्रयोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, और किसी भी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर बाउचर का ही प्रयोग किया जाता है। और कह रहा है कि किसी भी बाउचर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का ध्यान रखना होता है। देखिए, इसमें बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। कह रहा है कि बाउचर एक प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं, दस्तावेज होते हैं, और कह रहा है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक अपने बिजनेस में मैंने कौन कौन सा ट्रांजेक्शन किया है, उस पूरे ट्रांजेक्शन को डिटेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमको बाउचर की रिक्वायरमेंट होती। जैसे कि मान के चलिए कि आपने किसी से परचेज किया होगा, तो उसको हम परचेज बाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। मान के चलिए कि आपने किसी से गुड्स खरीदा, तो उसको हम परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। आपने किसी से पैसा प्राप्त किया, तो उसको हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अभी इसके बारे में बता रहे हैं। और फिर कह रहा है कि वाउचर का प्रयोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। किसी भी ट्रांजेक्शन को आप किसी वाउचर में रिकॉर्ड करिए, लेकिन सबसे पहले ये जरूरी होता है कि पहले आप उस ट्रांजेक्शन को समझिए, क्योंकि जब तक आप ट्रांजेक्शन नहीं समझेंगे तब तक आप उसका अलग अलग वाउचर में आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। क्योंकि साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको पार्टिकुलर वाउचर का ही प्रयोग करना होता है। समझ में आ रहा है ना? अगर आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपसी आपके ही खाते से अगर बैंक से लेन देन हो रहा है, कैसे आप बैंक में जमा कर रहे हैं या जो है बैंक से कैसे आप निकाल रहे हैं, तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। अपने बिजनेस में किसी से गुड्स आप खरीद रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज वाउचर का आप इस्तेमाल करेंगे। अपने बिजनेस में किसी गुड्स को आप सेल कर रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो सारे सारे वाउचर का क्या है, प्रयोग अलग अलग, डिपेंड ये करता है कि हम किस ट्रांजेक्शन को हम कर रहे हैं। वो ट्रांजेक्शन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको वाउचर क्लियर नहीं हो सकता है। और कह रहा है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, पार्टिकुलर वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है, और किसी भी वाउचर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का ध्यान देना होता है। कब और किस कारण डेबिट और कब किस कारण आपका क्रेडिट होता है। जैसे कि 3 प्रकार के आपके अकाउंट मैंने पढ़ाया आपको। एक आपका आता है पर्सनल अकाउंट, एक आपका आता है रियल अकाउंट, और एक आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। ये तीनों के बारे में मैंने बहुत डीपली आपको पढ़ाया। तो जैसे कि पर्सनल के बारे में हम बात करें, तो पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित, किसी फर्म से संबंधित और किसी कंपनी से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। इसमें बैंक भी आ जाता है। और इसमें अगर हमारा रिसीवर है, तो रिसीवर का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। और गिवर का नेचर हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल में, कि अगर हमारे मतलब व्यापार में अगर किसी से कुछ प्राप्त हो रहा है, तो रिसीव एनीथिंग, और उसका नेचर हमारा क्या होता है, डेबिट का होता है। क्या होता है, डेबिट का होता है। मतलब आप साफ साफ शब्दों में सुनिए कि अगर पाने वाला है तो पाने वाले को रिसीवर बोला जाएगा ना, और रिसीवर का नेचर हमारा डेबिट होता है। ये कब मैंने पढ़ाया था, पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको पढ़ाया था। और गिवर का मतलब होता है देने वाला। अगर देने वाला है तो उसका नेचर हमारा क्रेडिट का होता है, क्योंकि उसको गिवर बोला जा सकता है। तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट के रूल हैं। इसी में इसमें बताया गया, द रिसीवर, अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट करते हैं, और गिवर है तो क्रेडिट करते हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए, अब बात आती है रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें इस अकाउंट में केवल और केवल एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। केवल और केवल एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। अब एसेट्स होता क्या है, कोई बताइए? एसेट्स का, एसेट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बताइए कोई? व्हाट इज एसेट्स, बताओ। क्या
एसेट्स क्या होता है, हमारे व्यापार का एसेट्स हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे? व्यापार को चलाने में मदद करेंगे। नहीं है, सही नहीं है वो। और कोई देखिए, आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, खुद बताइए। इतनी लापरवाही से आप लोग पढ़ाई करते हुए अभी तक चले हैं, बताइए। एक एसेट्स के बारे में आपको नहीं पता, इतनी अच्छी पढ़ाई है, आपको तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। हाँ, वे सभी अस्थाई या अस्थाई वस्तुएं जो हमारी व्यापार को चलाने में मदद करती है, वो हमारे लिए एसेट्स कहलाती। समझ में आ रहा है ना? और एसेट्स मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक आपका करंट होता है, दूसरा आपका फिक्स होता है। तो करंट में क्या क्या आता है? तो जैसे कैश बैलेंस आपका कैश अकाउंट, यानी कि कैश एक प्रकार का करंट एसेट्स होता है। बैंक बैलेंस आपका करंट एसेट्स होता है। और फिक्स में क्या आ जाता है? तो प्लांट एंड मशीनरी आ जाता है, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाता है, फर्नीचर, ये सब कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे। तो इसमें मात्र एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाते हैं, और एसेट्स के जरूरी हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि जब तक हमारे बिजनेस में एसेट्स नहीं रहेगा, और देखिए बिजनेस के लिए दोनों जरूरी है, फिक्स भी होना चाहिए, करंट भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अगर फिक्स है, करंट है, दोनों हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइएबल होता है। और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें मात्र दो ही प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, मतलब इसमें बस और बस केवल एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाते हैं, एक प्रकार के रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और रियल अकाउंट को बोला जाता है वास्तविक खाता। और रियल अकाउंट का ये नेचर है कि व्हाट कम्स का मतलब क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था, जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको क्या करते हैं, क्रेडिट डेबिट करते हैं। जो धन वस्तु व्यापार में आए, अगर हमारे व्यापार में एसेट्स आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, अगर हमारे व्यापार से एसेट्स जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। वही इसमें लिखा हुआ है, व्हाट कम्स इन मतलब हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, जो आ रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कह रहा है कि क्रेडिट एस्पेक्ट में कह रहा है कि व्हाट गोज आउट और जा क्या रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको मैंने बताया था कि जैसे अगर ट्रांजेक्शन में कोई भी ट्रांजेक्शन हम सिंपल जर्नल इनका उठाते हैं, तो उसमें दो ही लेजर आपका बनता है, दो ही अकाउंट आपका बनता है, एक आपका डेबिट का, दूसरा आपका क्रेडिट का। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मान के चलिए कि मैंने लैपटॉप परचेज किया 20,000 रुपए से कैश से, ठीक है, परचेज लैपटॉप ऑन कैश Rs 20,000, 20,000 रुपए से लैपटॉप मैंने परचेज किया, तो इसमें किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाएगा? लैपटॉप आपका डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। देखिए दोनों अंतर है। अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप भी आपका एसेट्स है कि नहीं है? लैपटॉप भी एसेट्स है, और इसके साथ साथ कैश भी आपका क्या है, एसेट्स है। मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों एसेट्स आ जाता है, लैपटॉप भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है, तो लैपटॉप को खरीदने के लिए हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है ना, तो कैश भी एसेट्स है और लैपटॉप भी एसेट्स है। दोनों में ही अंतर देखेंगे कि हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो जब लैपटॉप को ही परचेज किया जाएगा तो लैपटॉप हमारे व्यापार में आएगा ना, आएगा ना, तो आएगा तो उसको हम फिक्स एसेट्स बोल सकते हैं, तो उसका नेचर हमारा डेबिट हो जाएगा। लेकिन उसको खरीदने के लिए हम दे क्या रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो कैश भी एक प्रकार का एसेट्स है और वो करंट एसेट्स है, लेकिन परचेज करते समय लैपटॉप को कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश को हम क्रेडिट करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रियल अकाउंट का हम हेल्प लेते हैं, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप पॉसिबल नहीं है कि किसी वाउचर का आप एंट्री अपने टैली सॉफ्टवेयर में कर पाए। समझ में आ रहा है ना? अभी इसके जस्ट बाद आपका रिसिप्ट वाउचर आने वाला है। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या नेचर है? इसमें मात्र चार प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें इनकम और प्रॉफिट को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, और एक्सपेंस और लॉस को डेबिट किया जाता है। हमारे बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना भी आमदनी होता है, इनकम होता है, उसको नॉमिनल के हिसाब से क्रेडिट करते हैं, और हमारे बिजनेस में जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी लॉस होता है, हम नॉमिनल के हिसाब से उसको हम डेबिट करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल कोई बताइए, नॉमिनल का एक एग्जाम्पल बताइए, डेबिट और क्रेडिट वाला। नहीं पता है, कैसे काम चलेगा बताइए, मैंने सब पढ़ाया है, और हमको लग रहा है कि सिंपल जर्नल एंट्री में मैंने, हमको लग रहा है कि 4 5 6 दिन का समय मैंने लेके गया। सैलरी सैलरी पैड है,
तो सैलरी पैड डेबिट होगा कि क्रेडिट? सैलरी पेड आपका हो जाएगा डेबिट। डेबिट हो जाएगा। और कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश से ही पेमेंट हो रहा है, तो कैश को क्रेडिट क्यों करेंगे और सैलरी पैड को डेबिट क्यों करेंगे, कोई बताइए खड़ा होकर के। ये हमारे व्यापार के लिए ऐसा नहीं मैं पूछ रहा हूं, अगर सैलरी पैड की बात आ रही है तो अभी आपने बताया सैलरी पैड को हम डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, तो रीजन क्या है बताइए, कैसे क्रेडिट करेंगे और कैसे डेबिट करेंगे? जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इसमें आप ये जरूर बताइए कि सर इसमें दो अकाउंट सम्मिलित है, एक आपका रियल और एक आपका नॉमिनल। कैश आता है रियल अकाउंट में और जब हम सैलरी पेड करेंगे तो कैश हमारे व्यापार से जाएगा, इसलिए कैश को हम रियल अकाउंट के अंतर्गत अगर जा रहा है व्यापार से तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और चूंकि पेड सैलरी की बात हो रही है और मैंने ये भी आपको बताया था कि जब भी पेड की बात आवे, पेड वेजेस आएगा, पेड रेंट आएगा, पेड एडवर्टाइजमेंट आएगा, बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे आ जाएंगे, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा आपका, तो जब भी पेड की बात आती है तो आप ये समझिए कि आप चुका रहे होते हैं, तो उस समय आपके बिजनेस एक्सपेंस हो रहा है। और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं किस रूल के हिसाब से? नॉमिनल के हिसाब से। इसलिए आप बता सकते हैं कि सर पेड सैलरी नॉमिनल के अकाउंट के हिसाब से डेबिट हो जाएगा और कैश को रियल अकाउंट के हिसाब से हम क्रेडिट कर सकते हैं। तो वही बात है इसमें लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, हमारे बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस होते हैं और लॉस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और प्लस कह रहा है कि ऑल इनकम एंड गेंस, इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इन तीनों में किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगी तो पुनः घर से पढ़ करके आइएगा, मैं पूछ करके तभी आगे पढ़ा पाऊंगा आपको, ठीक है? अब चलिए, इसमें दिया हुआ है टाइप्स ऑफ बाउचर, कितने प्रकार के बाउचर होते हैं और किस बाउचर को क्या सर्टिफिकेट की होती है, ये सारा का सारा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्योंकि किसी भी बाउचर को आप रिकॉर्ड करिएगा, किसी भी बाउचर में आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करिएगा, सबसे पहला जरूरी ये होता है कि पहले आप उस ट्रांजेक्शन को समझिएगा कि वो ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। पता चला कि परचेज का है तो आपने उसको सेल्स में ले जाके कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, कंट्रा का है तो उसमें आपने पेमेंट में ला जाकर कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए ट्रांजेक्शन को आपको समझना बड़ी जरूरी होता है, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि कोई भी सिंपल जर्नल एंट्री आप करिए तो सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, बस थोड़ा सा उसको समझना होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है टोटल बाउचर की, जो बाउचर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कितने प्रकार का, क्या मतलब कौन सा बाउचर होता है और उसकी क्या शॉर्टकट की होती है, इसमें पूरा आपका डिटेल बताया गया। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपका कंट्रा बाउचर दिया है, कौन सा बाउचर दिया है, कंट्रा बाउचर दिया। तो देखिए जब भी कंट्रा बाउचर की बात हो तो कंट्रा बाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है, F4 होता है। जैसे बाय डिफॉल्ट अगर आप अपनी कंपनी ओपन करेंगे और जब बाउचर में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका पेमेंट बाउचर ओपन होता है, लेकिन आपको किस मोड में, किस में काम करना है, किस बाउचर में, कंट्रा में काम करना है। जैसे देखिए मैंने टेली सॉफ्टवेयर ओपन किया है ना, यहाँ पे बाउचर के लिए बस केवल V बटन प्रेस करिए। कौन सा बाउचर खुला है, कौन सा बाउचर खुला है, पेमेंट खुला हुआ, और हमको करना किस में है, कंट्रा में है, तो बस यहीं पे F4 बटन दबा दीजिए, F4 बटन दबाना। और एक और आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर आपको बाउचर की शॉर्टकट की नहीं पता है तो यहाँ राइट साइड में आपको लिखता भी है अगर बाउचर को आपको ओपन करना है, ये सारा का सारा आपका डिटेल यहाँ पे बताता है। देखिए किस बाउचर में आपको जाना है, उसकी शॉर्टकट की क्या है, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, पूरा आपका डिटेल आया हुआ है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जैसे ही F4 बटन आप प्रेस करते हैं तो कंट्रा बाउचर आपके सामने ओपन हो जाता है। अब इसके बाद से कंट्रा बाउचर की एंट्री कब किया जाएगा तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको, पूरा डिटेल में बताएंगे। पहले आप ये समझिए कि बाउचर कितने प्रकार का होता है। इसमें कंट्रा में हम कैश और बैंक से लेन देन की बात होती है, आपसी लेन देन की बात होती है, कंट्रा बाउचर में हम रिकॉर्ड करते हैं। अगला जो दिया है वो है आपका पेमेंट बाउचर, आपने स्टाफ को अपनी रखा है बिजनेस में तो उसको आप सैलरी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट वगैरह करेंगे तो ये सारे के सारे पेमेंट को करने के लिए पेमेंट बाउचर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की F5। ये तो बाउचर हम पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। आप ये समझिए कि इतने सारे बाउचर, पेमेंट बाउचर का F5 है, रिसिप्ट बाउचर का F6 है, जर्नल बाउचर का F7 है, सेल्स बाउचर का F8 है, क्रेडिट नोट बाउचर का क्या दिया है, Alt plus F6, और परचेज बाउचर का क्या होता है, F9 होता है, और डेबिट नोट बाउचर का Alt plus F5। इतने सारे बाउचर के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। तो कल से हम लोग पढ़ा जाएगा किस बाउचर से, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है रिसिप्ट बाउचर, आपकी ट्रांजेक्शन रिसिप्ट बाउचर से स्टार्ट होती है, ठीक है? यहाँ से हम लोग कल पढ़ा जाएगा, लेकिन इतना पूरा पढ़ के घर से आइएगा तब, ठीक है?